देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, और ग्रुप डी के पेपर में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, आप एनसीईआरटी अगर पढ़े हुए हो तो एनसीईआरटी के ही मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है, चाहे जितने डायग्राम बेसिस हो। तो मैंने कल की क्लास में आपको डायग्राम बेसिस वाले सारे सवाल सोल्व करा दिए थे। अब आज मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे सिंबल यूज होते हैं, जिनको बताने को आ जाता है कि बताइए सर, जैसे कि मैं एक दो एग्जाम्पल दूं, मैं आपके सामने ऐसा सिंबल बता दूं और तुमसे पूछूं कि बताइए किसका सिंबल बना हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये किसका सिंबल है, है ना। तो मैं अभी 10 मिनट की इस वीडियो में सारे के सारे सिंबल आपको याद करा दूंगा। चलो फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले सिंबल, अगर मैं ऊपर से शुरुआत करूं तो सबसे पहले आप जरा गौर से देखिए, तो यहां पर देखो एक प्लेट छोटी है, दूसरी प्लेट बड़ी है। एक को पॉजिटिव बोला है, एक को नेगेटिव। तो जब भी कभी ऐसा कॉम्बिनेशन आपके सामने आए तो याद रखना ये सिंबल होता है तुम्हारे बैटरी का। किसका होता है? बैटरी का। एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, एक छोटी और दूसरी बड़ी भी होनी चाहिए, याद रखना। फिर जब इसी तरीके की छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी आ जाता है, ढेर सारी बैटरी आ जाती है, तो ढेर सारी बैटरी के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बच्चा सेल, ये सेल का। उसके बाद इसे देखिए, इसमें देखिए दो स्विच है और ये ओपन है, ओपन मतलब खुले हुए है ना। तो ये जो सिंबल होता है ये खुला स्विच का होता है, खुला स्विच मतलब ओपन स्विच। ओके, तो अगर ये खुला हुआ है तो अलग अलग होंगे, लेकिन जब एक साथ ये मिल जाते हैं तो इसमें बोला जाता है क्लोज स्विच। क्लोज स्विच का मतलब होता है बंद स्विच। अब यहां बंद स्विच का मतलब ये नहीं बच्चा कि स्विच बंद है नहीं तो पंखा नहीं चल रहा, नहीं, वो लॉजिक नहीं है। बस खुला है, ओपन, बंद है, पास पास है, क्लोज स्विच। अगर इसमें डोर से देखिए, इसमें दो वायर है और ये एक दूसरे के ऊपर से निकल रहे, अंदर से नहीं ऊपर से निकल जाए, तो इसे बोला जाता है कि सर ये हमारा वायर क्रॉसिंग है। वायर क्रॉसिंग है मतलब वायर क्रॉस कर गया, वायर क्रॉस है। ओके, थोड़ा गौर से देखिए, इसमें एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस टाइप का लगा हुआ है ना। तो ये सिंबल हमारा होता है बल्ब का, जो आप लोग इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हो ना उसका होता है। उसके बाद और देखिए, इसमें देखिए रेजिस्टेंस, ये तो सबसे कॉमन सा सिंबल है, इसे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल आ रहा है। तो ये देखो, ये ऐसे कुछ बना हुआ है, तो ये किसका होता है? तो कह देना ये तो सर रेजिस्टेंस का होता है, ये सर प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का। मैं सारे सिंबल याद करा देता हूं, प्रतिरोध का। उसके बाद ये देखिए, इसमें क्या है कि प्रतिरोध के ऊपर एक ऐसे कर्व बना हुआ है, मतलब एक एरो बना हुआ है। तो जब भी कभी रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे तिरछा एरो बना देते हैं तो ये धारा नहीं, धारा नियंत्रक का होता है, ये सिंबल धारा नियंत्रक का होता है। ओके, धारा नियंत्रक होता, और भी है, बहुत सारे हैं मेरे पास, आप देखते रहिए। ये देखिए कुछ और सिंबल भी है हमारे पास, इनको भी आप लोग जल्दी से फटाफट देख लीजिए कि इनके हमारे क्या नाम होने चाहिए। तो आप लोग जरा गौर से देखिए, तो ऊपर सबसे पहले देखिए एक सर्कल है और सर्कल के अंदर बना हुआ है ए। सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है? ए है, तो ध्यान रखना ये तुम्हारा अमीटर बन जाएगा। अगर ए है तो अमीटर, और इसके अंदर वी लगा हुआ है तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। तो अमीटर और वोल्ट मीटर को पहचानने का ये तरीका हो गया। अच्छा, आगे देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दो वायर है और एक दूसरे के देखिए एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए। तो जब भी कभी जुड़े होते हैं तो उसको बोला जाता है वायर ज्वाइंट। ये तुम्हारा वायर ज्वाइंट है। अरे आप लोग अपने घरों में वायर को टेप लगा के जोड़ देते हो ना, वो वायर ज्वाइंट है। इसमें देखिए ऊपर से लेके ये तीन डायग्रामों में त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के आगे प्लेट लगी हुई है। तो जब सिर्फ प्लेट लगी हो तो ध्यान रखना ये सिंबल हो जाता है डायोड का, ये सिंबल हो जाता है डायोड। ओके, लेकिन अगर प्लेट के आगे त्रिभुज के आगे एक प्लेट और लगी हो और वो प्लेट एक वहां मतलब उल्टी डायरेक्शन में आपस में मुड़ी हो तो उसको बोला जाता है जीनर डायोड। ये तुम्हारा हो गया जीनर डायोड। सेम तरीके से जब दोनों लगी हुई प्लेट के किनारे मेरी तरफ मुड़े हो, मेरी तरफ मतलब त्रिभुज की ओर मुड़े हो, तो याद रखना ये कहलाता तुम्हारा टनल डायोड, इसे बोला जाता है टनल डायोड। ओके, ये देखिए ये तीन हमारे लॉजिक गेट है। अगर आप ऊपर देखिए मछली जैसी आकृति बन रही है तो मछली जैसी आकृति को बोला जाता है और गेट, ये तुम्हारा और गेट है। उसके बाद देखिए मछली नहीं सीधा और उसके बाद कर्व, ये तुम्हारा एंड गेट होता है, एंड गेट होता है। उसके अलावा अगर ये त्रिभुज बना हो और त्रिभुज के आगे एक छोटा सा बिंदु भी रखा हो, ठीक है, ये तुम्हारा होता है नॉट गेट। तीन तरह के लॉजिक गेट होते हैं। लॉजिक गेट हमारे सिर्फ कितने होते हैं? कहना लॉजिक गेट हमारे सिर्फ तीन होते हैं ना। इनका बुलियन व्यंजक भी याद करो। देखो और गेट का अगर कोई पूछे कि बताइए सर और गेट का बुलियन व्यंजक कितना होता है, तुम्हें बताना है ए प्लस बी। और गेट का ए प्लस बी होता है।
जबकि अगर बोला जाए कि एंड डेट का क्या होता है, ए इंटू बी होता है, और अगर पूछा जाए कि बताइए नॉट डेट का क्या होता है, तो कह देना नॉट डेट का ए के ऊपर बार। मतलब आप उल्टा कर दो, अगर इनपुट ए है तो जीरो हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन, है ना। ये एक क्वेश्चन होता है कि ये जो नॉट गेट होता है ना, ये इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। चलो और भी सिंबल है मेरे पास, इनको भी देखिए ये क्या है। सबसे पहले ऊपर देखिए, अब यहाँ दो प्लेटें हैं जुड़ी हुई है, लेकिन बराबर साइज की है। जब भी कभी बराबर साइज की प्लेटें हो तो याद रखना ये हो जाता है तुम्हारा संधारित्र, ये हो जाता है तुम्हारा संधारित्र, ओके। अरे इसमें देखिए तो इसमें स्प्रिंग जैसी आकृति मुड़ी हुई है, एक्चुअली में इसे स्प्रिंग नहीं कहते, इसे प्रेरकत्व कहते हैं, इसे बोला जाता है प्रेरकत्व। और ये याद रखना ये कहलाएगा तुम्हारा मात्रा टेस्टा होता है हेनरी, है ना। जरा गौर से देखिए, इसमें हमारा एक प्लेट एक क्वाइल ये लगी हुई है N1 और एक क्वाइल लगी है N2। तो जब दो क्वाइल आपस में लगी होती हैं और बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, और ट्रांसफॉर्मर की हिंदी होती है परिणामित्र, ट्रांसफॉर्मर। लेकिन दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज बढ़ा देता है। वोल्टेज बढ़ा देने का मतलब ये हुआ कि वो हमारा कह सकते हो जब भी कभी N2 का मान N1 से ज्यादा होगा, यानी सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, तो याद रखना वो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप, जो वोल्टेज बढ़ाता है। लेकिन अगर N2 का मान N1 से कम है तो याद रखना ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा स्टेप डाउन, ओके। अब देखो आगे, मैंने आपको अगले जो दो डायग्राम है ना, ये तुम्हारे ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में मेनली तीन तरह की प्लेटें होती हैं, मेनली तीन तरह की प्लेटें होती है ट्रांजिस्टर में। कौन कौन सी? सबसे पहली प्लेट होती है बेस, फिर होता है कलेक्टर और इमीटर। इसी तरह से बेस, कलेक्टर और इमीटर, सिर्फ धारा की डायरेक्शन से ही हमें पता करना होता है कि हमारे ट्रांजिस्टर कौन सा है, मतलब PNPN है, PNP है या फिर NPN है। बोलो भाई, अब सवाल ये कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजिस्टर है? तो जब भी कभी धारा अंदर की ओर आती है, जब भी कभी धारा अंदर की ओर, देखो ये अंदर, तो ये होता है हमारा PNP ट्रांजिस्टर। अंदर की ओर धारा आ रही है तो धारा ये होता है तुम्हारा PNP ट्रांजिस्टर। तो अंदर की ओर धारा आ रही है तो ये कहलाएगा तुम्हारा PNP ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा इस बार, ठीक है। और जब भी कभी इमीटर से बाहर की ओर धारा जा रही हो तो ये कहलाता तुम्हारा NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, ओके। तो PNP एंड PNP और NPN ट्रांजिस्टर, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने इंपॉर्टेंट जो डायग्राम थे आपके, क्योंकि डायग्राम वाले प्रश्न आ रहे हैं, मैंने कल डायग्राम वाला एक लेक्चर लगाया था जिसमें आपको मैंने सारे के सारे बायोलॉजी वाले डायग्राम सॉल्व कराए थे, है ना। तो आज मैंने जो भी हमारे सिंबल यूज किए जाते हैं पूरे फिजिक्स में, वो उन सिंबल को याद कराया। फिलहाल कमेंट करके ये जो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे छोटी छोटी वीडियो में डेली अपडेट करता रहूंगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं बताता रहूंगा, ना। तो अगले वाले फेज में एग्जाम देने से पहले इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेना, 10 मिनट के इस लेक्चर में आप ढेर सारे सिंबल को एक साथ याद करोगे, ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।